आगे बढ़ते हैं एक बड़ी खबर। गाजियाबाद में झुग्गियों में भीषण आग लगी है। इंदिरापुरम क्षेत्र में हिंडन नदी किनारे ये आग लगी। आग लगने से कई मवेशियों की मौत की खबर भी सामने आई है। गौशाला में करीब 100 गाय मौजूद थी। आग भीषण थी, कई मवेशियों की जान चली गई है, ये जानकारी भी सामने आ रही है। गाजियाबाद में झुग्गियों में भीषण आग लगी है और उसी आग की ये तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। इंदिरापुरम क्षेत्र में हिंडन नदी किनारे का ये पूरा इलाका है जो आप तस्वीरों में देख पा रहे हैं। हर तरफ धुआं ही धुआं नजर आ रहा है। फायर ब्रिगेड की टीम वहां पर पहुंच चुकी है, पुलिस प्रशासन वहां पर पहुंच चुका है, क्योंकि बताया जा रहा है जहां पर आग लगी उसके ठीक पीछे गौशाला है और गौशाला में 100 से ज्यादा मवेशी मौजूद थे। कई मवेशियों की जान भी चली गई है, ये सामने आया। वही ग्रेटर नोएडा में गेहूं की फसल में भीषण आग लग गई है, जिससे सैकड़ों बीघा फसल जलकर पूरी तरीके से खाक हो गई। रबुपुरा के फलेदा गांव के खेत में आग लगी है। एक के बाद एक आग की घटनाएं सामने आ रही हैं। गेहूं के खेत में आग लगी है, ग्रेटर नोएडा का ये मामला बताया जा रहा है, जहां सैकड़ों बीघा फसल जलकर पूरी तरीके से खाक हो चुकी है। अभी देखिए कुछ तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। सैकड़ों बीघा फसल है, गेहूं की फसल बताई जा रही है, जो जलकर पूरी तरीके से खाक हो गई है। वजह क्या रही, कारण क्या रहा, यह अभी तक साफ नहीं हो पाया है। आगरा में जूतों की फैक्ट्री में भी भीषण आग लग गई है। एक और आग लगने की घटना आगरा से सामने आई है, जहां दमकल की कई गाड़ियां आग बुझाने में जुटी हुई हैं। आग लगने के कारण का पता नहीं चल सका है। आगरा के शास्त्रीपुरम की एक फैक्ट्री में आग लगी है। देखिए आग जिस दौरान लगी, उस दौरान की कुछ तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। दमकल की कई गाड़ियां भी वहां पर पहुंची हैं, आग बुझाने की कोशिश वहां पर की गई है। आग किन कारणों से लगी है ये अभी तक साफ नहीं हो पाया है। आगरा के शास्त्रीपुरम की एक फैक्ट्री में ये भीषण आग लगी है, कुछ तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। हर तरफ धुआं ही धुआं नजर आ रहा है, किन कारणों से आग लगी है ये साफ नहीं हो पाया है, लेकिन जानकारी मिलने के बाद दमकल की कई गाड़ियां मौके पर पहुंची हैं, पुलिस की टीम भी वहां पर पहुंच चुकी है। कहाजापुर में चोरी का एक अजीबोगरीब मामला सामने आया, जहां चोरों ने तेजी से महंगे हो रहे नींबू पर ही हाथ साफ कर दिया। इतना ही नहीं, चोरों ने प्याज और लहसुन भी चोरी कर लिए। इन दिनों नींबू का दाम आसमान छू रहा है। फिलहाल सब्जी की चोरी से व्यापारियों में खासी नाराजगी है, जो इलाके में चर्चा का विषय बनी हुई है। व्यापारी का कहना है कि देर रात चोरों ने उसके गोदाम पर धावा बोलकर महंगे नींबू और दूसरी सब्जी चोरी कर ली थी। खुले बाजार में इन दिनों नींबू की कीमत 300 तक पहुंच गई है, जिसके चलते नींबू की डिमांड भी बढ़ गई है। चोरों ने गोदाम पर धावा बोलकर 60 किलो नींबू, 40 किलो प्याज और 38 किलो लहसुन चोरी कर लिया है। आया यहाँ मंदिर से माल लेके, तो देखा तो काला छोटा हुआ और पूरा अंदर देखा मैंने, तो हाँ ऐसे नींबू रखे हुए थे, पचास साठ लग रहे होते हुए सब भुगाए थे, प्याज लहसुन था, भूगा था, करा जुगाड़ था, LED बल्ब रखे हुए थे जलाने वाले भोग। क्या लगता है आपको? लगता क्या आपको, किसी का हाथ होगा, यही जो नालीदार बंदा उसके ऊपर होगा, माल रखा जाता है।